यहाँ से उतरना भी देख के पड़ा, गिर भी सकते थोड़ा आराम। सारे टूरिस्ट यहाँ पे आके फोटोज ले रहे हैं। शाम के टाइम पे भीड़ हो रही है, वहाँ पे सनसेट। सो गाइस बाय बाय इस हॉस्टल को, और अब चलते हैं डेनिस ली। सी या। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेशन की ओर। हमें जाना है यहाँ से ऑटोवार मेट्रो और बस लेके चलते हैं। सो अभी गाइस मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ बस स्टैंड पे, और बस स्टैंड पे मेरे को मिली एक मोहतरमा जिनके साथ मैं चैट के थ्रू बात कर रहा हूँ, और इंटरनेट और मोबाइल के कारण, क्योंकि उनको लैंग्वेज आती नहीं है, इंग्लिश उनको आती नहीं और मेरे को टर्किश आती नहीं, बट ये फ़ोन साथ दे रहा है हमारा और हम बातें कर रहे हैं। और ये है वो मोहतरमा। Your name? My name is Dila. Namaste. Her name is Dila. Mm-hmm. Yeah. So she is from Turkmenistan. और बस हम इस पर चैट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और मैं अपना टाइम फिल कर रहा हूँ। और मेरी बस 11 बजे, इनकी 10 बजे है। उसके बाद फिर हम यहाँ से अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। बस यहाँ पर अच्छा टाइम पास होगा। ये चिप्स और ये हम खा रहे हैं, और मैं ये मैंने इनको ऑफर करा, तो शी इज़ ईटिंग दिस। और बाकी हम मिलते हैं आपको आगे। यहाँ पे फिर से मेरी इनसे बातें हो रही हैं फोन से, और हम बातें कर रहे हैं टेक्स्ट करके, ट्रांसलेट करके, और आगे सफ़र जारी है। तो सारी फॉर्मेलिटीज डन, और बस अपना पेमेंट कर दिया। 230 टर्किश लीरा में ऐसा सा रूम मिल गया मेरे को, और यहाँ से पामुक कले देखना है, कारा हाइट देखना है, और एक तो जगहें और देखनी है। और अभी बस से आया, थका हुआ हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ। ठीक है। हाँ तो भैया अब आपको बताते हैं बातें, ठीक है।
तो शुरू से शुरू करते हैं। तो इसमें से मैं चला सुबह सुबह, और जब मैं चला इसमें से सुबह सुबह तो मैं पहुंचा बस स्टैंड पहुंचने के बाद वहाँ से आपको पता है टिकट लेनी पड़ती है, तो मैंने टिकट लिया। मेरे को टिकट पड़ी 130 लीरा की, ठीक है, इसमें से डेनिस लिए, ठीक है। अब मेरे को कल जाना अंटालिया, तो डेनिस से अंटालिया जाऊँगा, कुछ उसी आसपास का रेट रहेगा, 130 आसपास का, ठीक है। और जब मैंने बस ली तो मेरे को 9-10 बजे वाली नहीं मिली, जबकि मैं 8 बजे पहुँच गया था, तो 11 बजे वाली मिली। फिर 11 बजे वाली बस मैंने ली, 11 बजे वाली बस लेने के बाद फिर मैंने अपना 2 घंटा वेट किया। उसी बीच में मेरे को मिली थी वो तुर्कमेनिस्तान वाली बंदी, तो फिर कुछ नहीं, हमने चैट किया, क्योंकि मैं बैठा हुआ था शांति से अपनी जगह पे, वो बगल में आई और उन्होंने कहा कि जगह खाली है। मैंने कहा नो, पहले तो उसको लगा कि नो कह रहा है, यहाँ मत बैठो, कोई और है। फिर मैंने कहा नो, यू कैन सिट, वो जगह एम्प्टी है तो मैं मना थोड़ी करूँगा। तो बैठ गई, उसके बाद फिर इंग्लिश आती कि नहीं आती मैंने पूछा, तो कहती नो इंग्लिश। फिर उसके उसने चैट पर लिखना शुरू कर दिया ट्रांसलेट करके, फिर बताने लगी। तो यही हमारी थोड़ी बात हुई कि वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है वो, तो ऐसी बातें। उसके वो 10 बजे की उसकी बस थी, वो चली गई और 11 बजे वाली मेरी, तो मेरा 1 घंटे का टाइम जो था वो निकल गया बातें करते करते, चैट करते करते। उसके बाद फिर एक और चीज़, एक और इंसिडेंट, मतलब आज का दिन तो मेरा ट्रांसलेशन से ही बातचीत हुई सबसे। बस में फिर एक और बंदा मिल गया, तो आपने देखा ही, तो उनके साथ ऐसी बातें हो गई। तो ये था आज सफ़र बस का। और बस में एक चीज़ और बताते हैं यार, अपने इंडिया में और यहाँ के बस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पैसे तो लगते हैं 550 के करीब लग गए मेरे, ठीक है, आने जाने में, आने में मतलब डेनिसली आने में, इसमें से, और इसमें से डेनिसली ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस में, और बस ड्राइवर्स की ड्रेस होती है, वाइट कलर की शर्ट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म मतलब होती है, जो भी बस के एम्प्लॉयज़ होते हैं हर जगह, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपको पहले आइसक्रीम देंगे बस में बैठते के साथ, जैसी बस चलेगी। उसके बाद फिर वो आपको चॉकलेट्स वगैरह भी ऑफर करेंगे, ठीक है, और चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें बीच में सर्व करते रहेंगे, बस चलती रहेगी। मतलब इतना अच्छा सिस्टम है बस का। अगर टर्की अगर आप आओगे ना, तो आप फ्लाइट के बजाय अगर बस भी लोगे तो काफ़ी सही रहेगा। बट यही है कि थोड़ा सा, मतलब मैं टॉल सा हूँ ना, तो और थोड़ा थिन सा हूँ, तो मेरे को सीट पे बैठने में ना कंफर्टेबल सा नहीं लग रहा था। बाकी सीट तो बहुत कंफर्टेबल थी, अच्छी खासी बड़ी सीट थी। तो काफ़ी लोग बस की जर्नी करते हैं और बस काफ़ी कंफर्टेबल है, इंडिया से तो यार बहुत कंफर्टेबल मैं बोलूँगा, क्योंकि एसी होता है और वो आपको प्रॉपर बीच में खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं, और पूरा फुल बस एसी का होता है। इवन ड्राइवर की सीट तक एसी होता है, ऐसा नहीं अपने इंडिया की तरह कि ड्राइवर का कोच अलग होता है, जो एसी होता ही नहीं जहाँ पे, सबके लिए इक्वल राइट्स है। और ड्राइवर भी ड्राइव करते करते अपनी आइसक्रीम खा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा ये सफ़र मेरे को। और यहाँ पे बसेस में मतलब कामिल कोच एक कंपनी है, पामुक्कल है जिससे आज मैं आया, तो ऐसे करके 3-4 कंपनी और है, बट ये कामिल कोच और पामुक्कल एक बहुत फेमस कंपनी है यहाँ पे। आप इनकी बसेस ले सकते हैं और आपको भी कन्वीनियंट लगेगी। तो आई गेस जो जो बताना था मैंने आपको बता दिया। बाकी अभी हेरियोपोलिस जो आर्कोलॉजिकल साइट है, यूनेस्को साइट है, और रुइंस है वहाँ पे, और कुछ नहीं है, और पामुक्कल है। तो थोड़ी देर में चलते हैं वहाँ पे और आपको आगे दिखाते हैं। Which has this. So guys, अभी हम जाने के लिए रेडी हैं और मैं वेट कर रहा हूँ अपने मिनी बस का, और मिनी बस मेरे को लेके जाएगी यहाँ से पामुक्कल उस साइड, और पामुक्कल हेरियोपोलिस वगैरह देखते हैं जाके आगे। अब सो भाई साहब, मिनी बस में सवार हो चुका हूँ, ये ऐसा सा मिनी बस है। यहाँ से पामुक्कल साउथ गेट चलते हैं, देखते हैं कितना लगेगा। आते वक्त वो ऑटो बस डेनिसली से यहाँ का मेरे को लगा था 18 लीरा। अब देखते हैं 5 किलोमीटर दूर है कितना लगता है। आफ्टर गेटिंग ट्रिक्ड फाइनली पहुँच गए, देखते हैं वहाँ कैसा सा है। वाइट क्वार्टर से अच्छा लग रहा है ना देखने में, देखते हैं क्या क्या है भाई अंदर। टिकट चेरी 200 लीरा की पड़ी है। चीटियों की तरह लोग नजर आ रहे हैं, देख रहे हो।
करते हैं, यहीं पे शूटिंग हुई थी उस मूवी की जो कि अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी रणबीर कपूर की, यहीं पे शूट हुई थी। जो पीछे बैठी है बहुत ही खूबसूरत बैठी, ये सारा कार्बोनाइट है। और जब वो कार्बोनाइट जमा होकर ऊपर आना, नीचे कुछ वोल्केनिक इरप्शन होता है इसके नीचे, और कैस्केड करके जब ऊपर आते हैं, ऊपर सरफेस पे जमा होने के बाद, तभी कैल्शियम बस अपना यहाँ पर आओ, फोटोज़ वोटोज़ खिंचवाओ और कुछ नहीं। बाकी हरियापोलिस आगे है इसके जाके, अभी तो बहुत आगे जाना है, मतलब पूरा खाली सा है। और ये पानी भरा हुआ, इसमें आप नहा भी सकते हो, नहाना है तो नहाओ, जो भी करना है करो, बस मज़े करो। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। इन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि नहीं दिखाऊँ, बट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लोग स्विमिंग के लिए आते हैं, तो समझ जाओ आप क्या कहना चाह रहा हूँ। बंदे यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहेंगे, कितना प्यारा लग रहा है शाम के टाइम पे। मैं धूप में नहीं आया, उसका रिग्रेट नहीं आ रहा। और मेरे 130 लीटर गए ना क्ले ड्रॉपेस पूल देखने के लिए, वो वर्थ इट था। और इसके अंदर जाना अलाउड नहीं, वो लोग फिर भी जा रहे हैं, क्या फ़ायदा था कि जब वहाँ वाले कैल्शियम वाले में चढ़ ही रखे हैं। इसमें देखो कितना बढ़िया सनसेट होने वाला है यहाँ पे। Message from a new world I'd never known. Something about it felt like I've been waiting my whole life. Is this home? अरे भगा दिया उन पुलिस वालों ने, पुलिस वाले अंकल भगा रहे सब। मैं जा रहा था, मेरे को भागना पड़ा, भागू भाई। यू विल हैव टू कम इन अ गेटअप, एक चप्पल अपनी ले लेना, शॉर्ट्स में आना। ये यहाँ पे पूल से या यहाँ पे पानी घुटने तक चलते चलते नीचे तक जाना वहाँ तक। इस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और यहाँ पे ठंडा है, इसमें पानी ठंडा है। और अगर आप वो जो भरे पड़े हैं ना, उसमें पानी गर्म है। ये बच्चे के साथ मैंने फोटो खिंचवाई अपनी, मजे में खेल रहे हैं। Thank you. Teşekkür ederim. Thank you. पीछे इसमें भी पानी भर जाता है, बट खाली पड़ा हुआ है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो भर जाता है। वो पीछे उन सब में भरा हुआ है, नीचे पीछे वहाँ पे स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं मेरे पीछे, और वहाँ पे होटल्स हैं, थोड़े महंगे महंगे होते हैं वो,
स्टेशन में जाके आपको रहना तो रह सकते हो। बाकी यहाँ पे फिल्म की शूटिंग्स वगैरह हुई थी, वो बच्चा अकेले ऊपर चला गया, नीचे नहीं आ रहा, सबको परेशान कर रखा है उस बच्चे ने, वो अकेला बच्चा वहाँ पे। ये देखिए शैतान, अकेला राजा। मैं बोलूँगा नॉर्थ गेट से आओ, आगे वहाँ पे इसके पीछे कहीं पे जाके है अपना हेरियापोलिस का एम्फी थिएटर, इधर से भी जाके आगे से जा सकते हो। और इस वाले रास्ते से अगर आप अंदर वहाँ जाओगे ना, तो यहाँ पे क्लियर ड्रॉपस करके स्विमिंग पूल, उधर जाके वो अपना वहीं पे कैसल है, कैसल जाना तो जाओ, नहीं जाना तो कैसल तो जाना ही पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी इस वाले गेट से आने का फ़ायदा है भाई, सीधा यहाँ से वहाँ चले जाओ। ये वाले पुल नहीं जाना आपने, इस वाले पुल में 130 टर्किश लीरा लगेंगे, मत देना अंदर जाके अगर आपको स्विमिंग नहीं करनी तो। मेरी बात सुनोगे तो पैसे बचेंगे। सबके बीच में होड़ लगी हुई है, वो जो पीछे है ना, एक एक में लोग बैठे हुए हैं, उसमें होड़ लगी हुई है कि सबसे ऊपर वाले में जाके कौन बैठेगा, क्योंकि वहाँ से सबसे साफ पानी निकलेगा ना, बाकी जगह से तो खराब। लोग विंग्स भी लेके आए हुए हैं, एक यहाँ पे वाइट फेदर है, आगे थोड़ा सा कहीं जगह ब्लैक फेदर भी है। भाई कोई भी नहीं है मेरे सिवा यहाँ पे, मतलब इस वाले एरिया में भी। तो अब वापस जा रहा हूँ मैं, ये पीछे वैली का व्यू, अब वो देखो लोग खाली, अभी तक लोग ऊपर ही हैं, कितना तगड़ा है भाई होटल कैसे, गिरते गिरते पता थोड़ा ऊपर खाबड़ जाना है नीचे से। चलो फिर चलते हैं हम होटल, और इस वाली वीडियो इतना ही था, सिया।